ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये छोटा के पूर्व MLA महेंद्र कुमार और झीन बाबू के सुपुत्र की तस्वीर है और ये बाढ़ प्रभावित इलाके में अपने हमराही बल के साथ सहयोगियों के साथ दौरा किया है। लेकिन बात करते हैं वो कहां कहां गए और क्या देखा और क्या यहां पे लोगों को, क्योंकि जो काफ़ी अपेक्षाएं हैं और 20 साल करीब जनता के बीच में रहे, जनता ने बागडोर सौंप कर इनके कंधों को जिम्मेदारी दी और क्या गुड़ खिला के आए, कहां कहां गए कौन जी? पहली चीज़ तो कहीं रास्ता ही नहीं है जाने का, और दूसरी चीज़ यहाँ पर नाव की इतनी कमी, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा मैं इच्छुक था कि लोगों के पास, लोगों के नज़दीक जाके उनकी समस्याएं और जो भी हमसे हो सके उनकी दर्द और दुखों को दूर करने की मेरी पूरी इच्छा थी, लेकिन कुछ कारणवश कोई रास्ता नहीं है, तो इस वजह से मैं खाली गोलोक कोरट तक आया और यहाँ जो बेचारे रोड के किनारे लोग खड़े हैं उनसे मिलके उनकी समस्याएं सुनी। उनकी समस्याएं सुन के लगा कि हाँ बेचारे, जो ये पानी आज छोड़ा गया है, जो आज गोलोक कोरट में पानी चल रहा है, उससे आज लोगों की तकलीफें और दर्द बहुत ज़्यादा ही मुझे तकलीफ हुई कि सियोटा विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है आज इतनी तकलीफ है। अच्छा, इतनी भीषण बाढ़ आपने देखी कि नीचे आपका दिल जाने के लिए गवाही नहीं दिया, इतनी भीषण बाढ़ आपने देखी, लेकिन जो प्रशासन दावे कर रहा है जगह जगह पे नावें हैं, तो वो नावें कहीं आपको जाने के लिए मुहैया नहीं हो पाई क्या? जी नहीं, मैं सुबह से उसमें लगा हुआ था, मेरी SDM साहब से मेरे पिताजी की बात भी हुई और उन्होंने कहा भी कि मतलब मेरा लड़का जाना चाहता है तो उसके लिए कोई नाव की व्यवस्था करवा दीजिए तो वहाँ तक वो पहुँच जाए, लेकिन नाव की कमी होने के कारण मैं लोगों के बीच तक नहीं पहुँचा। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इससे क्या कहूँगा कि ये जो सरकार है वो अपना काम जो है वो ढंग से नहीं कर पा रही है। सरकार नहीं कर पा रहे कि जिम्मेदार जो है वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी, जो मौजूद लोग हैं, जो यहाँ के मेन लोग हैं, उनकी कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से जनता तक ये सुविधा नहीं पहुँच पा रही है। ठीक है कौन सिंह जी, जैसे आपने कहा ठीक है, लेकिन आप भी एक राजा के लड़के हैं और 20 साल जनप्रतिनिधि रहे आपके पिताजी, और आप भी एक उगते हुए सूरज की तरह क्षेत्र में चमक रहे हैं, काफ़ी नवयुवक आपके साथ है, तो इतना तो आप भी सक्षम थे कि अपनी खुद व्यवस्था करके लोगों के दर्द को, अगर हम दर्द थे तो आप जा सकते थे सामने की। जी बिल्कुल सही आपने कहा, आज मैंने व्यवस्था के लिए कई लोगों से बात की तो मैंने 8 नाव की अपनी निजी, उससे मैंने 8 नाव की व्यवस्था की तैयारी करी है, जो जल्द से जल्द आज रात से लेकर कल सुबह तक जो 8 नाव हमारी हैं वो जनता के बीच तक माननीय झीन बाबू जी के नाम से वो पहुंच जाएंगी। वो कहाँ कहाँ पहुँचेंगी? पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ बाढ़ है। अच्छा, जहाँ जिसकी जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से वहाँ पे नाव दी जाए। और जैसे एक बात आपने और कही कि यहाँ पे जैसे ये एक कुनबा आपका कहा जाता है जी, जैसा कि चर्चाओं में, और वहाँ पे जो आपके करीबी भी नवयुवक हैं और ये तराई इलाके में लोगों के पास नावें भी हैं, अगर आपको वो ले जाना चाहते और ज़मीनी हकीकत दिखाना चाहते तो दिखा भी सकते थे, लेकिन इस बात पे आप क्या कहेंगे जो आपके करीबी? जब हमारे लोगों के पास जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनका घर डूबा जा रहा है, जिनकी भैंसे मरी जा रही हैं, जिनके जानवर मरे जा रहे हैं, जिनके बच्चे डूब रहे हैं, जब उनके पास नाव नहीं पहुंच रही है तो हमारे लिए नाव की व्यवस्था कैसे करा देंगे? मतलब वो नाव की व्यवस्था नहीं, अगर वो चाहते तो आपको तो वहाँ तक पहुँचा ही चाहते तब जब उनके पास होती, क्योंकि यहाँ पे एक से एक लोगों के पास खुद की स्वयं की नावें हैं, स्वयं की हैं, लेकिन जब वो बेचारे स्वयं अपनी ही अपने लोगों की, अपने आस पड़ोसियों की, सबकी जान और सबके सामान बचाने के चक्कर में लगे हैं, तो उस चक्कर में मैं उन लोगों को डिस्टर्ब करके और मैं उनकी नाव लेकर जाऊँ तो वो नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन जो सरकार जो है, वो सरकार जो नाव दे रही है, जब वो अगर नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो मैं उन लोगों से क्यों कहूँ जिनकी स्वयं की नाव है। ठीक है, नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, लेकिन आपके पास भी 20 साल का दायित्व था तो कुछ आप लोग भी जो है उसका सहयोग तो कर सकते हैं। मैंने बताया तो मैंने 8 नाव की व्यवस्था की है, जो अभी तक नाव नहीं मिल पा रही थी, लेकिन तब भी 8 नाव हमको मिली है। और स्वयं बनवाई है कि किसी से मतलब खरीदी है क्या? नहीं नहीं, वो हमने स्वयं बनवाई है, और जहाँ इंतजाम करने वाला है, जहाँ खरीदने वाला हुआ, जिस हिसाब से हुआ उस हिसाब से। और क्या व्यवस्थाएं, बाढ़ जो दलदल में लोग फंसे हैं गांव में और उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या है आपकी तरफ से? समय मौजूदा हालत में जो हम लोग अपनी व्यवस्था कर सकते हैं वो जनता के लिए हम लोग पूरी करेंगे, जितनी हम लोगों से उम्मीद होगी। ना मैं विधायक हूँ, ना मेरी सरकार है, ना कुछ है,
तो जितनी हम लोगों से अपेक्षा हो पाएगी, जितनी हम लोगों से जो भी चीज़ें हो पाएंगी, उस चीज़ों को मैं उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। और जैसा कि आप लोगों ने सुना और इनके बयान और इनके वक्तव्य और इनके विचार पूरी तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, टूटी फूटी आवाज़ में रेवसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी के साथ, ये इनके विचार हैं। ये पूर्व MLA महेंद्र कुमार उर्फ धीन बाबू के सुपुत्र हैं और किस कदर से जज्बा इनके दिल में और इनके विचारों के माध्यम से आप लोग सुन सकते हैं। पूरी तस्वीरें ये जो कवरेज की गई हैं, ये इनके पीछे बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे के दरमियान